आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम, अपीयरेंस पढ़ेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, हार्डनेस पढ़ेंगे और सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे और ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे। सबसे पहले है एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड अस। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं? तो बॉल देखी होगी सबने, क्रिकेट सब खेलते हैं, क्लोथ्स सब कपड़े पहनते भी हैं, बुक्स, यूटेंसिल्स, बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, टॉयज, रबर बॉल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम सब्सटेंसेस या मटेरियल्स भी कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। किसी जगह पर ऑब्जेक्ट्स की जगह मटेरियल भी लिखा होता है या फिर सब्सटेंसेस भी लिखा हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं, एक मटेरियल के बने होते हैं या एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे चेयर। चेयर सभी के घरों में है, ऑफिस में होती है, स्कूल्स में भी होती है। तो आपने देखा होगा कि चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है या फिर वुड और आयरन दोनों की हो सकती है, ठीक है। पैन, पैन प्लास्टिक जो उसकी बॉडी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पैन है, पैन की जो बॉडी है ये क्या है, प्लास्टिक की है, ठीक है, प्लास्टिक की है, लेकिन जो उसमें फिर ये मेटल की ये चीज़ है, ये मेटल है, यानी कि जो पैन है उसमें मेटल और प्लास्टिक दोनों यूज़ होते हैं। प्लेट जिसमें आप सभी खाना खाते हो, स्टील की भी हो सकती है, स्टील की स्पेलिंग यहाँ है STEEL, ठीक है, स्टील की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है। फिर है टेबल, टेबल है वो लोहे की भी हो सकती है, आयरन, वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। फिर है टॉयज़, खिलौने, हर किसी ने खिलौनों से खेला है, तो जो खिलौने हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं और वुड के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपको मटेरियल का एग्जांपल दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आपसे कि इस मटेरियल से, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स दिए गए हैं, इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। पहले हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा था और पूछा था कि कौन कौन से मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना होता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे मटेरियल का नाम दे रखा है और पूछा है कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो पेपर, ठीक है, पेपर से क्या क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं, बुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कागज़ के खिलौने भी होते हैं ना, हम बारिश के मौसम में नाव बना के खेलते हैं, कैलेंडर्स जिनमें हम डेट वगैरह देखते हैं, नोटबुक्स, ठीक है। तो पेपर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फिर है वुड, वुड से क्या बनता है, चेयर भी बनती है, बेड भी बनता है, टॉयज भी, टेबल भी, और जो ये पेंसिल है ये भी वुड से बनी हुई है। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन से क्या बनता है, यानी कि रुई से क्या बनता है, हमारे कपड़े बनते हैं। थ्रेड यानी कि जो धागा है वो भी कॉटन से ही बना होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो आप इसका जो एग्जांपल है कि इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि प्लास्टिक से क्या क्या बनता है। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं यानी कि जो सब्सटेंसेस, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं, जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं ना वो यूजुअली एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं। जैसे जो लकड़ी है यानी कि जो वुड है वो दिखने में अलग है लोहे से, आयरन से अलग है दिखने में, ठीक है। कैसे, ये लकड़ी है और आपने आयरन देखा ही है, वो अलग होता ही है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मटेरियल्स हैं, कुछ जो सब्सटेंसेस हैं, वो दिखने में सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर ही होती हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हार्डनेस, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो मटेरियल होता है जब हम उसको हाथ से दबा के देखते हैं या स्क्रैच करते हैं, तो जो मटेरियल अगर
दब जाता है, यानी कि कंप्रेस्ड हो जाता है, या उस पे स्क्रैच स्क्रैच हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उस मटेरियल को? हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैंडल, यानी कि जो मोमबत्ती है, कैंडल है, अगर आप उसको हाथ से तोड़ो तो वो टूट जाएगी आराम से। ठीक है, कॉटन है, रुई है, दबाने पे दब जाती है। प्लास्टिक के टॉय, जो प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं, अगर आप उनको हाथ से दबाते हो तो वो दब जाते हैं। और जो स्पॉन्जेस होती हैं, आप अपने घर में सोफ़ा होगा, सोफे पे बैठते हैं, या फिर बेड के जो मैट्रेसेस होते हैं, जब आप बैठते हो तो वो दब जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस करना मुश्किल है या जो कंप्रेस नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या है हार्ड मटेरियल का? स्टोन, वुड को आप कितना भी कंप्रेस कर लो वो कंप्रेस नहीं होता। वुड, लकड़ी को भी कंप्रेस करने पे वो कंप्रेस नहीं होती। आयरन, लोहा, लोहा भी जो एग्जांपल है वो हार्ड मटेरियल का है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि मान आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला और आप पानी में चीनी डाल दीजिए, चीनी को घोलेंगे, चीनी क्या होती है, बिल्कुल घुल जाती है और डिसॉल्व हो जाती है और हमें दिखनी बंद हो जाती है। ठीक है, चीनी घुल गई तो फिर हमें दिखाई नहीं देती चीनी पानी में। तो इससे ये पता चलता है कि जो वो चीनी थी कैसा सब्सटांस थी, सॉल्यूबल सब्सटांस थी। तो यहाँ यही लिखा है, व्हेन सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड और डिसअपियर्ड इन वाटर दैट सब्सटेंस इज सॉल्यूबल। इसका एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट एट्सेट्रा। जब आप नमक को भी पानी में घोलते हो तो वो टोटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ सब्सटेंसेस आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट सब्सटेंस इज नोन एज इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस को पानी में घोला जाता है और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, नहीं घुलता, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जिसका एग्जाम्पल है सॉइल, टी, स्टोन, वुड एट्सेट्रा। चाय पत्ती को भी जब आप पानी में डालते हो तो चाय पत्ती पानी में नहीं घुलती, चाय पत्ती सिर्फ अपना रंग छोड़ देती है पानी में, लेकिन वो पूरी नहीं घुलती। तभी तो हम चाय को जब छानते हैं तो उसमें छलनी में चाय पत्ती रह जाती है। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी भी पानी में नहीं घुलती, पत्थर को भी हम पानी में नहीं घुल सकते, और उसके बाद लकड़ी को भी हम पानी में नहीं घुल सकते। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कुछ लिक्विड्स होते हैं, यानी कि कुछ तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते। विनेगर, सिरका, अगर आप सिरके को पानी में डालते हो तो पता ही नहीं चलता कि वो सिरका है या पानी है, क्योंकि सिरका भी पानी जैसा ही होता है, वो पानी में घोलने पर टोटली घुल जाता है। ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है, जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो भी घुल जाता है पानी में। फिर हम देखते हैं मस्टर्ड ऑयल, अगर आप पानी में सरसों का तेल डालोगे, मस्टर्ड ऑयल डालोगे, तो वो पानी में घुलता नहीं है, वो एक ऊपर लेयर बना देता है। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल पानी में नहीं घुलता। ऐसे ही सिमिलरली जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी पानी में नहीं घुलता, वो एक ऊपर लेयर बना देते हैं। ठीक है, कैरोसिन, कैरोसिन मुझे नहीं लगता कि कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा, इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट ने नहीं देखा। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल। ठीक है, तो मिट्टी का तेल भी पानी में नहीं घुलता। जितने भी जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो पानी में नहीं घुलती। नेक्स्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में या तो तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं, हमें ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल देखना है। एग्जांपल ऑफ फ्लोट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते रहते हैं, जैसे ड्राई लीफ, अगर सूखा हुआ पत्ता पानी पे गिर जाता है तो वो तैरता रहता है। ऐसे ही ऑयल है। ठीक है, ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। जब आप वाटर में ऑयल को डालेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि ऑयल बॉटम में चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, जो ऑयल है वो ऊपर ही तैरता रहता है। फिर एग्जांपल ऑफ सिंक ऑब्जेक्ट, स्टोन है, भारी होता है पानी से तो क्या होता है, डूब जाता है। ऐसे या लोहे की जो कील होती है, जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो भी डूब जाती है। तो ये जो एग्जांपल है ये है फ्लोट ऑब्जेक्ट्स और सिंक ऑब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन एबल टू सी। जब हम किसी मटेरियल में से सामने की तरफ देखते हैं तो हम उसमें से इजीली देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कांच, ग्लास जो होता है। मान लीजिए आपने एक कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, शीशे का टुकड़ा नहीं, कांच का टुकड़ा ले लिया, तो आप अपनी आँख के सामने रखिए कि आप उस कांच के टुकड़े में से आर पार देख सकते हैं। देख सकते हैं, पानी में से भी हम आर पार का देख सकते हैं, हवा में भी, हवा तो है ही, ठीक है, जो आप अभी आप देख रहे हो तो वह आप हवा के माध्यम से ही देख रहे हो, मीडियम है, एक एयर जो होता है वो मीडियम होता है। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक क्या होता है, ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हम चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक है, जिनका एग्जांपल है लकड़ी, लकड़ी के हम आर पार नहीं देख सकते, मेटल्स के आर पार नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड यानी कि जो गत्ता होता है उसके भी हम आर पार नहीं देख सकते। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिनमें से हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं अपनी आँखों से, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ओपेक, ओपेक ऐसी वस्तुएं या ऐसे सब्सटेंसेस मटेरियल्स जिनमें से हम चीज़ों को आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हम आर पार देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, मतलब हमें सामने की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देती, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल जिनमें से हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं मगर वो ऑब्जेक्ट हमें धुंधले दिखाई देते हैं, बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं होते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल है जब आप बटर पेपर यानी या ऐसा करिए, आप अपने घर पर पेपर लीजिए और उसके ऊपर तेल लगा दीजिए, अच्छे से तेल लगाइए, 15 मिनट बाद आप उसमें से जब चीज़ों को आर पार देखेंगे तो आप उसमें से चीज़ों को देखेंगे मगर धुंधली दिखाई देगी, आपको ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट जिसमें से आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दें, उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स।